आजाद अध्यापक संघ ने शिक्षा उन्नयन एवं शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन। सांसद एकबंटी साहू का अभिनंदन कर किया सम्मान। सांसद ने जताया आभार। नगर पालिक निगम द्वारा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक मनाया जा रहा गौरव दिवस कार्यक्रम। पहले दिन स्कूली विद्यार्थियों ने बनाई प्रेरक वॉल पेंटिंग। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने 60वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया कार्यक्रम। सांसद एकबंटी साहू का किया सम्मान। बताई 60 वर्ष की सेवा यात्रा। और महाराष्ट्र के तथाकथित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर पैगंबर साहब के विरुद्ध की गई टिप्पणी से मुस्लिम समाज में आक्रोश। ज्ञापन सौंप कर रखी कार्यवाही की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजाद अध्यापक संघ के द्वारा आज मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में शिक्षा उन्नयन एवं शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी संगठन के पदाधिकारी शिक्षक शामिल हुए। आजाद अध्यापक संघ के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सांसद एकबंटी साहू का शिक्षकों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही सांसद एकबंटी साहू के हस्ते उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व पदाधिकारियों का सम्मान भी कराया गया। इस मौके पर महापौर विक्रम आहके, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा हरजानी, आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष राजीव जैन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। और उन्होंने अपने अदम्य साहस का मुझे एक महीने तक भैया के साथ विकसित भारत यात्रा में जाने का अवसर मिला, आपके साथ संचालन करने का अवसर मिला। भैया के मन से मैं पढ़ता था कि ये लाइन निकलती होगी कि बस तुझ पे भरोसा है, जी दूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जब आप भाजपा के जिला अध्यक्ष थे तभी से आप संरक्षक महोदय भी हैं, तो मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे गौरवमय पल को यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया और आप सभी से मिलने का अवसर मिला, आपने सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी राजेंद्र भाई बहुत अच्छा गा रहा है, कौन सा हारा है क्या हारा बाबा, लेकिन बाबा ने दो बार हराया आप लोग नहीं। ओपीएस पूरे पूरे समय जो काम आप लोग बोले संदेह बरत दिया आपको लोग, जब जिसने जो जैसा काम बोला होगा कोई एक आकर के नहीं बोल सकता कि मैंने कहीं मना किया। मैं जो जैसा काम बोला सबका साथ सहयोग किया, लेकिन वो चुनाव के समय भूत निकल के जाता था ओपीएस का, तो बिल्कुल हरा भरा निकल जाते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मेहनत करते थे, हुआ ना ऐसा। लेकिन चलो भी आपने लोकसभा में आशीर्वाद दिया, इसका बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से आप सबका सहयोग बना रहे, ईश्वर से ही चाहता हूँ। तो मजाक कर रहा था, लेकिन आप सबका साथ और सहयोग रहा है इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से ही हम इस रोल में आए कि शिक्षक के रूप में देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारी परंपरा में, ऋषि परंपरा में कई शिक्षक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, देश के लिए हमारे धर्म, जिन्होंने गीता का उपदेश लेकर के, गीता लेकर के जीवन जीने की कला हमको दी। तो जो ऋषि काल से जो परंपरा चली आ रही थी कृष्ण भगवान की, जो सम्मान मिलता है, मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा देश ऐसा है जहाँ आज भी शिक्षकों को उतना ही सम्मान मिलता है, उतना ही प्यार, उतना सम्मान
हमारे देश के लोग देते हैं, और खास करके ज्यादा सम्मान सरकारी स्कूलों में मिलता है। सरकारी स्कूलों की बातचीत में हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे लगता है हम सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, सभी लोग निकलते हैं, लेकिन बीच में एक माहौल ऐसा निर्मित हुआ और उसमें कहीं ना कहीं हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की भी गलती थी, जिसके कारण बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। इसमें स्वीकार करना आप लोग की मदद भी आई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हम लोग की भी थी, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इतना सुधार हुआ कि सबसे ज्यादा अगर सुधार नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, भाजपा की सरकार आने के बाद। ब्लॉक से आप आते जाइए। अध्यक्ष महोदय श्री परमानंद शर्मा सर, ये संगीत का संयोजन आदरणीय सर का ही है। श्री बलवंत सारी सर तामिया साहब अग्रणे हर्रे विकासखंड से आप भी सादर आमंत्रित है। श्री शरद कुमार शिवेदी आप दोनों भी यहाँ सादर आमंत्रित है। अतिथि महोदय सांसद महोदय की ओर से इंसान के लिए दूसरों के सुख में होते सुखी, दूसरों के सुख में होते सुखी और उनके दुख में होते। आज का कार्यक्रम जो है शिक्षा उन्नयन शिक्षक सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह आजाद अध्यापक शिक्षक संघ छिंदवाड़ा के द्वारा यह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान भरत पटेल जी मुख्य वक्ता के रूप में और कार्यक्रम की अध्यक्षता किए जिन्होंने। साथ ही हमने हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी को हमने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सरकारी स्कूलों की बढ़ रही गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा के उन्नयन के लिए हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया, साथ ही शिक्षकों का सम्मान आयोजित किया और हमने अतिथियों और के सम्मान के लिए भी यह कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि हमें बंटी भैया ने, सांसद महोदय ने, आदरणीय भरत पटेल जी ने जिस मेहनत के साथ इस मुकाम पे पहुंचाया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता था कि हम भी उनका अभिनंदन करें। इस हेतु छिंदवाड़ा के पूरे 11 विकासखंडों के साथ ही सिवनी जिला, बालाघाट जिला और बैतूल जिला, इन जिलों से भी हमारे पदाधिकारी आए और सारे लोगों के लिए यहाँ हमने संगीतमय व्यवस्था भी रखी और पुरस्कार की व्यवस्था भी रखी। धन्यवाद। जय हिंद। आज 1 सितंबर से छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम द्वारा गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पौधा माँ के नाम अभियान सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है। छिंदवाड़ा नगर गौरव दिवस कार्यक्रम के तहत पहले दिवस छिंदवाड़ा के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के विद्यार्थियों ने सुंदर वॉल पेंटिंग्स बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके, निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, बादल भारद्वाज, उत्सव बैरागी सहित स्वच्छता चैंपियन उपस्थित रहे। चलो साथ चौक पे
हर्ष उल्लास के साथ हमारा छिंदवाड़ा गौरव दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आज पहला दिन 1 सितंबर को हमने खाली दीवारों पर स्कूल के बच्चों के द्वारा वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे शहर के समस्त स्कूल के प्यारे बच्चे के द्वारा नन्ही नन्ही कलाकृतियाँ उकेरी जा रही है, जो स्वच्छता के ऊपर और किसी न किसी सकारात्मक संदेश देने को लेकर दी गई है। इस अवसर पर आज कमिश्नर साहब हमारे साथ उपस्थित हैं और आज के इस अवसर पर सभी बच्चों को हम शुभकामनाएँ देते हैं और गौरव दिवस की भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं कि छिंदवाड़ा के हर एक व्यक्ति इसमें भागीदार बने। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सितंबर को छिंदवाड़ा नगर में गौरव दिवस आयोजित हो रहा है, इस वर्ष भी ये 5 तारीख को आयोजित होगा। इस संदर्भ में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विभिन्न गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्हीं गतिविधियों का आज प्रारंभिक कार्यक्रम है। नगर के जो स्कूल के बच्चे हैं, ये बच्चे के पास जो हमारी वॉल है, इस पर वॉल पेंटिंग करेंगे, गौरव दिवस के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में अपने मैसेज अपने चित्रों के माध्यम से देंगे। स्थानीय पूजा लॉन में आज विश्व हिंदू परिषद एवं नगर बजरंग दल के द्वारा 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के सांसद देवबंटी साहू का सम्मान भी किया गया। साथ ही मुख्य वक्ता प्रांत सत्संग प्रमुख राजेंद्र सिंह के द्वारा विश्व हिंदू परिषद की अनवरत 7 वर्षों की जारी सेवा यात्रा व आगामी वार्षिक संकल्प पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में नगर संयोजक रविराज सिंह भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। तथाकथित जो गुंबद है बाबरी ढांचे का, उस पर सीधा लगाते हैं और चढ़ते हैं दो बालक युवक और हाथों से पेड़ों की डालों को हिला हिला करके, बड़े पीपल के डाल को हिला करके और जोर से मारते हैं। 1, 2, 3 सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ एकदम से उस गुंबद को धराशायी। पहला गुंबद 2:52 पर, तीसरा गुंबद 4:00, चौथा गुंबद 6:32 पर, तीनों ही विश्व हिंदू परिषद की शक्ति के साथ बाबरी नाम का ढांचा विध्वंस। हमने विश्व हिंदू परिषद गोली चली, हिम्मत पठारी शरद पठारी नाम के दो स्वयंसेवक बजरंग दल के माताओं के सपूत मारे जाते, बलिदान होता है उनका, आज हम स्मरण करते हैं काल सेवक बलिदान दिवस के रूप। विश्व हिंदू परिषद की वह यात्रा प्रारंभ हुई 1992 से और उसी यात्रा में बजरंग दल नाम का संगठन बना। यह चुनौती कौन स्वीकार करे, यह चुनौती पूछ नगरहा बाबा ने कहा, कोई है इंदा, कोई है हनुमान, राम की सुरक्षा के लिए कोई हनुमान बनेगा। विनय कटियार नाम का युवक कूद के आता है और जय श्री राम, ऐसा एक बार बोला उसने और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाखों की संख्या में युवा बजरंगी एकत्र हो जाते हैं और पहला भाषण होता है विनय कटियार का, पहला भाषण। अंजुमन कमेटी के द्वारा 31 अगस्त की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र के किसी तथाकथित व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत की गई, साथ ही उक्त व्यक्ति पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की मांग भी की गई है। एडिशनल एसपी ने मुस्लिम समाज के सभी सदस्यों की शिकायत को सुनते हुए उन्हें जाँच कर उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। विगत दिवस महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक, हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ में एक उन्होंने अभद्र और गलत टिप्पणी की थी। रामगिरी महाराज पे सख्त कानूनी धाराओं में FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, इस मांग को लेके हम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से हमारे मस्जिदों के बेसमा हजरात और समाज के मौजूद हजरात के साथ मिलके आज हमने SP साहब का ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग किया है कि जल्द से जल्द छिंदवाड़ा में भी रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज हो और SP साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि जिन्होंने भी सोशल मीडिया पे इस तरह कमेंट्स किया है या जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी किया है, उनका भी कहना है कि हम इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है
और आज हमारे साथ ज्ञापन सौंपने में हमारे मस्जिदों के पेशवा मदरा जामा मस्जिद के हाफिज़ असीफुल्ला कमर साहब, कसाला मस्जिद के हाफिज़ असलम साहब, अकबरी मस्जिद के हाफिज़ जियाउद्दीन साहब, हमारे मस्जिद हाफिज़ साहब, हमारे अंजुमन वर्किंग कमेटी के सेक्रेटरी अजमल लाला साहब, हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय नज़ीर भाई, हमारे पूर्व अंजुमन सदर हाजी रफीक साहब, हमारे मार्गदर्शक यूसुफ बख्श साहब, हमारे सैयद असूली साहब, हमारे मंगू बाबू, हमारे आदरणीय फिरोज भाई और सभी हमारे कुछ नौजवान आज इस ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं जितने भी ज्ञापन कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनका सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस ज्ञापन कार्यक्रम को आज उन्होंने कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अंजुमन कमेटी की ओर से और समस्त मुस्लिम समाज की ओर से कंट्रोल रूम में ज्ञापन पुलिस को दिया गया है, जिसमें विगत दिनों सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के में कथित किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कहने के संबंध में शिकायत की गई है। इसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोशल मीडिया में किसी प्रकार का इस प्रकार का घटनाक्रम प्रसारित ना हो जिससे लोगों की भावनाएँ आहत हों या जिससे सामाजिक समरसता में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा करे। पुलिस विभाग का पूरा उसमें जोर रहेगा, पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि सामाजिक सुरक्षा समरसता बनी रहे और समाज में सुरक्षा बनी रहे, जिससे सभी लोग अपना काम सुरक्षित माहौल में बहुत अच्छे से कर सकें। जिले के सांसद एक बंटी साहू के द्वारा अपने जिले की उन्नति एवं विकास के लिए सभी नेताओं एवं सनातन धर्मी संतों से मुलाकात की जा रही है, जिसके तहत अपने भोपाल दौरे के बाद उन्होंने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक व योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक व योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी से मिलने सांसद विवेक बंटी साहू एवं आर्ट ऑफ लिविंग की टीम बेंगलुरु स्थित आश्रम पहुंचे और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से छिंदवाड़ा पांडुना जिले वासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बेंगलोर में जिले के सांसद एक बंटी साहू के साथ छिंदवाड़ा की आर्ट ऑफ लिविंग टीम की जिला समन्वयक श्रीमती श्वेता चड्ढा एवं जोन समन्वयक मनीष शर्मा के सानिध्य में गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी से आशीर्वाद लिया गया और उन्हें छिंदवाड़ा आने का आमंत्रण भी दिया गया, जिससे गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार करते हुए आगामी समय में छिंदवाड़ा आने का आश्वासन दिया। इस दौरान गुरुजी को छिंदवाड़ा में बनने जा रहे आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन हॉल की भी जानकारी दी गई। इस पर सांसद ने गुरुदेव का शॉल श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट विश्व के 140 देशों में हुआ। इस मौके पर छिंदवाड़ा से सुधीर भसीन, लवली चड्डा, नंदकिशोर तिवारी, सुरेश पवार, श्रीनाथ अग्रवाल, हरीश बत्रा, श्रीमती दीप्ति शर्मा, अर्चना तिवारी सहित टीम के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों के साथ तार ग्राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहाँ आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की गई। मुख्य रूप से पटवारी संघ ने विगत दिनों एक पटवारी के विरुद्ध हुई निलंबन की कार्यवाही पर रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से जाँच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज जिले में पटवारियों पर कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया है, जबकि पटवारियों ने पुरजोर ताकत से राजस्व अभियान 2 का काम किया है और प्रोग्रेस दी है और आज जिला टॉप 10 की स्थिति में है। तो हमारे जिले के पटवारियों को पारितोषिक मिलना चाहिए कि सस्पेंड किया जाना चाहिए, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ संबंधितों से जिन लोगों ने कार्रवाई की है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पटवारियों को सस्पेंड किया, इवन इन्होंने दबाव बनाने के लिए जिले के अध्यक्ष को सस्पेंड किया, व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, जिलाध्यक्ष महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि की गई कार्रवाई 2 से 3 दिन के अंदर में वापस कराई जाए, अन्यथा जिले के पटवारी आंदोलन करेंगे और आंदोलन में हड़ताल की स्थिति बनेगी, तो इसके लिए जवाबदार संबंधित अधिकारी हो। छिंदवाड़ा पांडुना जिले के सांसद निर्वाचित होने के बाद से ही सांसद एकबंटी साहू लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने व उनके निराकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सप्ताह में एक दिन सांसद कार्यालय में भी उनके द्वारा जन समस्याओं को सुनने का काम किया जा रहा है। 1 सितंबर को सांसद एकबंटी साहू ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निराकरण के लिए लोगों को आश्वस्त किया। BS4 एवं जय भीम सेना के तत्वावधान में आज संविधान महोत्सव के अंतर्गत पेशरा सदन में विशाल रैली निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली में सभी सामाजिक संगठनों ने सहयोग प्रदान करते हुए संविधान के प्रति लोगों में जन जागरूकता का संदेश दिया। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म का जंग लड़ो बेईमानों से, हम सब एक है, हम सब एक है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, आज BS4 बामसेट की तरफ से एक भारतीय संविधान महोत्सव का आयोजन किया गया पेशरा सदन में, जिनमें उनका उद्देश्य है कि भारत की जितनी भी जातियाँ
भारतीय संविधान और भारत को जान सके और संविधान को पहचान सके, इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। इसमें जय भीम सेना सभी सामाजिक संघ सम्मिलित है और आगे भी जहां कहीं भी हमारे हक अधिकार और संविधान की बात आएगी, जय भीम सेना और सभी सामाजिक संगठन एक साथ है। ये रैली कहां से निकाली गई, कहां जाएगी रैली? ये रैली पेंशन सदर से निकाली गई, पेंशन सदर से अमृता तिराह पर माल्यार्पण किया गया, वहां से इंदिरा तिराह होते हुए फवारा चौक होते हुए जीएलसी पे शिवाजी महाराज को प्रतिमा की गई और पेंशन सदर में समापन की जाएगी एवं वहां से BS4 के तत्वाधान में जितने भी लोग आए हैं उनका उद्बोधन किया जाएगा। जी आपका नाम? शिवम पाड़ा, जय भीम सेना जिला अध्यक्ष। कार्यकारिणी सदस्य बाम से आज ये हम भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धक महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत आज क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन पेंशनर सदन में किया गया है। हम सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है मिल करके इस महाजन जागरण अभियान में एकत्र हुए हैं। ये पूरे देश में 20 राज्यों में इस क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में 20 जिलों में क्लस्टर अधिवेशन संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें अगस्त माह की 11 तारीख हरिद्वार, 11, 18, 25 और सितंबर में 1, 8 और 15 सितंबर को ये आयोजन 20 जिलों में किया जा रहा है। तो इस कड़ी में आज हमारे छिंदवाड़ा जिले में इस BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत ये क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन आज किया जा रहा है। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय। भारत सरकार के द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज श्री अपना ध्यान परिवार के द्वारा रैली निकालकर आम जन को मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश और मुख्य ब्लॉक खंड चिकित्सा अधिकारी नेत्र विभाग प्रमुख के मार्गदर्शन में श्री अपना ध्यान के गुरुदेव की प्रेरणा से श्री अपना ध्यान परिवार के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में श्री अपना ध्यान अध्यक्ष अजय सिन्हा, कार्यक्रम प्रभारी मनीष श्रीवास्तव, रघुवीर रघुवंशी, अनिल शुक्ला, अमित मालवी, पंकज साहू, गणेश साहू, महेश माहौर, संदीप राजपूत, पूजा श्रीवास्तव, अंजू साहू, संध्या एवनाती, गीता सरयाम, स्वास्थ्य विभाग से मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप कटारिया, अमित शेहड़ाऊ, नयन पाटिल उपस्थित रहे। जय श्री माता जी। आज श्री अपना ध्यान के माध्यम से नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। नेत्रदान पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश एवं हमारे विभाग प्रमुख डॉक्टर कंचन दुबे एवं हमारी PSC प्रमुख डॉक्टर पुष्पा रानी मैडम के माध्यम से, निर्देश से, मार्गदर्शन से ये कार्य संपन्न हुआ। ये श्री अपना ध्यान के अध्यक्ष महोदय श्री गुरुदेव जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि ये नेक कार्य है, इसे करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नेत्रदान पखवाड़े में मृत्यु पश्चात अपन को नेत्रदान करना है। भारतवर्ष में बहुत नेत्रहीन व्यक्ति जीवित हैं, उनको नेत्रदान करेंगे तो उनका अपनी दुनिया देख सकेंगे, रंगीन अपना जीवन जी सकेंगे। जी आपका नाम? मैं मनीष श्रीवास्तव, नेत्र विभाग से। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा होने वाली मासिक बैठक में ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों को रोकने एवं परिस्थितियों से बचाव एवं सुरक्षा करने हेतु परिचर्चा आयोजित की गई। संस्थापिका श्रीमती शरद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर अल्पना शुक्ला, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मृदुला शर्मा, कमलेश पवार एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष अनीता तिवारी रहीं, जिन्होंने उचित मार्गदर्शन एवं सलाह प्रदान की एवं आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु और अगली पीढ़ी को संस्कारित कर उच्च शिक्षा देने व जूडो, कराटे सहित आत्मरक्षा के गुण सीखने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में त्रिशक्ति मंच की सदस्य शामिल रहीं। हो रही है और खुशी हो रही है।
बिल्कुल मांगेंगे भी और हमारे विशेषज्ञों द्वारा कुछ सुझाव दिए जाएंगे, जिसमें अल्पना शुक्ला हैं वो भी इस तरह के सुझाव देंगी कि हमें सामाजिक स्तर पे किस तरह रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा करना चाहिए, और डॉक्टर मृदुला शर्मा हमारे बीच में हैं जो कि संगीत विद्यालय की संचालिका हैं। आप हमें ये बताएंगी कि महिलाओं को किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होकर सशक्त होना है, क्योंकि महिलाएँ अगर सशक्त होती हैं तो वो सुरक्षा कर लेती हैं अपनी, इसीलिए हमें इन दोनों विषयों पर गहन चिंतन करेंगे और आगे की समस्या को देखते हुए हम चाहेंगे कि हम जागरूकता फैलाएं और त्रिशक्ति मंच इस क्षेत्र में अग्रसर हो। धन्यवाद। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा श्याम टॉकीज के पास एक निवास पर संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। समिति का हृदय से आभार, मैं नीतिराज सिंह वर्मा केसी नंदन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा कार्यक्रम बहुत अद्भुत कार्यक्रम था ये, और ऐसी आरती महाआरती का फल सभी को मिले, अति आनंददायक फल। पंडित जी से मैं कहना चाहूंगा, इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें और सामाजिक बंधु को धर्म से जोड़ें और इसको सहयोग करें, और हम ये चाहते हैं, हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करें और हम इसे इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम बनाएं कि ये आगे चल के इतना बड़ा भंडारा हो कि लोग इसे देखें।
इसकी कल्पना। जय श्री राम। ये केसी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट मध्य प्रदेश आपको सबको जानकारी है, जी अर्जी वाले नरियल वाले के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज हमारे मंदिर में जो कि श्री विनोद जी के द्वारा भंडारा किया गया एवं उनके सब परिवार मौके पर उपस्थित हुए, उनके मम्मी पापा और मित्र वगैरह सब बहुत आनंद से उन्होंने महाआरती करे, बहुत उन्हें अच्छा लगा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर के ट्रस्ट की ओर से देता हूँ कि सदा वो हमारे सहयोग इस मंदिर में करते रहे और सदा मंदिर ट्रस्ट में जुड़ें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहे और ऐसी धार्मिक काम में सहयोग करते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। आजाद अध्यापक संघ ने शिक्षा उन्नयन एवं शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन, सांसद एकबंटी साहू का अभिनंदन कर किया सम्मान, सांसद ने जताया आभार। नगर पालिक निगम द्वारा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक मनाया जा रहा गौरव दिवस कार्यक्रम, पहले दिन स्कूली विद्यार्थियों ने बनाई प्रेरक वॉल पेंटिंग। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने 60वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया कार्यक्रम, सांसद एकबंटी साहू का किया सम्मान, बताई 60 वर्ष की सेवा यात्रा। और महाराष्ट्र के तथाकथित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर पैगंबर साहब के विरुद्ध की गई टिप्पणी से मुस्लिम समाज में आक्रोश, ज्ञापन सौंप कर रखी कार्यवाही की मांग। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए उन्नति, नमस्कार।